हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे परफेक्ट कॉइन से रिलेटेड कुछ खास खास इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप जान पाएंगे पीटीसी कॉइन को लेंडिंग कैसे करना है, पीटीसी कॉइन को ट्रांसफ़र कैसे करना है और पीटीसी कॉइन का ट्रेडिंग कैसे करना है। और इसी वीडियो के अंदर आप ये भी जान पाएंगे कि कुछ खास बदलाव भी आया है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या खास बदलाव है और इसमें क्या क्या खास अपडेट है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप mindptc.com पे जाएंगे और लॉगिन करेंगे, आपके सामने कुछ नोटिफिकेशन आएगा। वो नोटिफिकेशन आप हमेशा पढ़ा करें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल mindptc यूज़र टू ट्रांसफ़र PTC कॉइन स्टार्ट नाउ एंड You can lend PTC coin after purchase from exchange. Sorry for inconvenience. यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी माइंड PTC के यूज़र को बहुत बहुत बधाई हो, जो कि अपना PTC coin को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक्सचेंज से बाई करके, ख़रीद के उसको लेंड भी कर सकते हैं। इसका क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, क्या करना है, वो आगे मैं जानकारी दूंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा। नोट लिखा है, वंस बिटकॉइन सेंड टू बिटकॉइन एड्रेस वेट फॉर फुल्ली कंफर्म। क्या है, बहुत से मेंबर परेशान हो जाते हैं, सर मैंने बिटकॉइन सेंड किया, मेरा नहीं आया। थोड़ा सा वेट कर लीजिए और आगे पढ़ रहा हूँ, सुनिए। एंड अवेलेबल ऑन BTC डिपॉजिट वॉलेट विथ इन 3 बिटकॉइन नेटवर्क कन्फर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि आपको तब तक वेट करना है जब तक कि BTC डिपॉजिट वॉलेट का 3 बिटकॉइन का नेटवर्क का कन्फर्मेशन ना आ जाए। आगे लिखा है, इट कैन टेक अराउंड 2 hours और मोर टाइम। ये 2 घंटा भी लग सकता है या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, ये डिपेंडिंग ऑन बिटकॉइन नेटवर्क। सो डू नॉट वरी एंड वेट क्विटली। तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है और आप शांतिपूर्ण ढंग से आप वेट कीजिए। इफ़ यू विल नॉट रिसीव BTC विथ इन 24 hours, प्लीज़ एड अ टिकट इन सपोर्ट पैनल विथ ट्रांजेक्शन ID एंड जनरेटेड वॉलेट एड्रेस, थैंक्स PTC टीम। यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको 24 घंटे के अंदर में BTC रिसीव नहीं होता है तो आप एक जो सपोर्ट पैनल है वहाँ पे अपना एक टिकट जनरेट कर दीजिए। उस टिकट के अंदर में अपना ट्रांजैक्शन आईडी डाल दीजिए और उसके साथ में अपना जो वॉलेट एड्रेस जनरेट हुआ रहता है उसको भी डाल दीजिए। और इस प्रकार से कंपनी PTC टीम को धन्यवाद करती है। चलिए अब आगे चलते हैं कि PTC कॉइन ट्रांसफ़र कहाँ से करना है, क्या है। बहुत से न्यू मेंबर हैं, उनको पुराना वीडियो सेंड करने से बोलते हैं, सर रेट तो ये है, अभी आप तो रेट कुछ और दिखता है वहाँ पे और आपका रेट कुछ और है। तो कोई बात नहीं, नया वीडियो दे देते हैं। मैं कुछ बिजी रह गया इसलिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। बट अब कंटिन्यू मैं अपडेट देते रहूँगा आप सभी को। तो चलिए आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा। bitcryptox.net, ये देख लीजिए वेबसाइट का नाम bitcryptox.net। ये वेबसाइट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेंडिंग कर सकते हैं, अपना विड्रावल ले सकते हैं और सबसे ख़ास बात ये है कि आप USD में भी विड्रावल ले सकते हैं, आप INR में भी विड्रावल ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी कंपनी जो भी वादा कर रही है, जो भी समय दे रही है, उस समय के हिसाब से कंपनी अपना काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से काम होता रहे और परफेक्ट कॉइन परफेक्ट बनते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक्सचेंज पे क्या करना है, कैसे करना है, ये जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफ़र कौन से ऑप्शन से जाके करें। तो ट्रांसफ़र करने के लिए एकदम सिंपल सा है, जैसे mindptc.com ओपन हो गया। mindptc.com ओपन होने के बाद अगर आप मोबाइल पर ओपन किए हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में 3 लाइनिंग दिखेगा, 3 डॉट है, उस पर आप क्लिक करेंगे ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको जाना है फाइनेंस पे। फाइनेंस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखना है ट्रांसफ़र टू एक्सचेंज वाले ऑप्शन में।
ट्रांसफ़र टू एक्सचेंज के ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसफ़र टू एक्सचेंज फी ऑफ 2% विल बी चार्ज पर ट्रांजेक्शन टोटल क्वाइन ट्रांसफ़र इन दिस मंथ 60। मैंने 60 क्वाइन कर लिया है ट्रांसफ़र, फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, होता है तो अच्छी बात है। ये जैसे कि मैंने ये ओपन कर लिया, ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज में भी लेफ़्ट साइड में 3 डॉट दिखेगा ऊपर, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये ऑप्शन विड्रॉ एंड डिपॉजिट। विड्रॉ डिपॉजिट के ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको लेना है यहाँ से पीटीसी क्वाइन को। अब पीटीसी क्वाइन का डिपॉजिट ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉलेट एड्रेस ओपन हो जाता है, इस पर आप होल्ड करके क्लिक करें और इसको कर ले कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको कर दे कट और उसके बाद आप माइंड पीटीसी में जाइए और यहाँ पे एड्रेस को कर दीजिए पेस्ट। ये पेस्ट हो गया, अमाउंट डाल दीजिए आपको कितना कॉइन ट्रांसफ़र करना है 30, तो ये फी लगेगा 0.6 और उसके बाद टोटल अमाउंट है 29.40। ये ROI वॉलेट से जाना है, जी हाँ ROI वॉलेट से जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क वॉलेट का भी ऑप्शन आ चुका है, तो करके देखते हैं एक बार नेटवर्क वॉलेट से होता है या नहीं होता है। तो इस तरह से आपको करना है, ROI का है तो ROI का कर सकते हैं। देख लीजिए मेरा अमाउंट ट्रांसफ़र हो चुका है, वेरी गुड। अब मैं एक्सचेंज पे जाता हूँ और एक्सचेंज पे देखता हूँ कि मेरा कॉइन पहुँचा या नहीं। एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, ऐसे 223 कॉइन पहले था। कुछ समय वेट कर लेते हैं, अभी सुबह सुबह है तो ऑफिस, ओ माय गॉड इतना जल्दी आ गया। देख लीजिए आपके सामने, ये देख सकते हैं आप 223 से 252 हो चुका है। तो इस तरह से आप आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अभी मैंने वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया ROI वॉलेट या फिर नेटवर्क वॉलेट, तो मैंने यहाँ पे ये जो ROI और नेटवर्क है, ये ROI भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ROI है नेटवर्क वॉलेट है नेटवर्क वॉलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अमाउंट ट्रांसफ़र्ड सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, बहुत से मेंबर को हो सकता है कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप हड़बड़ी ना किया करें, आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन होगा और PTC कॉइन परफेक्ट कॉइन परफेक्ट बन के रहेगा। बस आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का साथ रहेगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब चलिए अब बात करते हैं एक्सचेंज पे ट्रेडिंग की, एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कैसे करना है। तो इसके लिए आपको इसी ऑप्शन में, एक्सचेंज के ऑप्शन में जाना है। एक्सचेंज के ऑप्शन में आप देख पाएंगे जैसे कि यहाँ पे बिटकॉइन है, परफेक्ट कॉइन है, रिपल है, बीट पे है, बीट रेट कॉइन है, USD है, बीट कनेक्ट है, ट्रेड क्रिप्टो है, लेकिन इसमें से अभी जो अवेलेबल है उसकी बात करते हैं, बाकी सभी कॉइन अवेलेबल हो जाएंगे। बस आपको यही करना है कि साथ चलना है आपको, बुरे वक्त में भी और अच्छे वक्त में भी। परफेक्ट कॉइन जैसे कि अब मेरे को सेल बाई करना है, उसी को ट्रेडिंग कहा जाता है कि कम रेट से ख़रीदो अधिक रेट से बेचो, फिर जब रेट डाउन होता है फिर ख़रीद लो, फिर रेट बढ़ता है फिर बेच दो। तो इसके लिए मैं पहले भी और वीडियो बना चुका हूँ लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, और देखते हैं तो लाइक नहीं करते, इसलिए हम वीडियो भी नहीं बनाते। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जैसे कि 11,499 सतोसी का इसका एक परफेक्ट कॉइन का बाई प्राइस है, और आप नीचे आएंगे जो कि अभी कुछ समय पहले ही मैंने देखा था ये 8,500 था, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्राइस जो है बढ़ चुका है, और जैसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ प्राइस दमादम बढ़ता है। इसलिए मैं सोचा कि चलो अब कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो मैं एक वीडियो बनाऊँ और बदलाव देखूँ, ठीक है। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझेंगे जानेंगे, तब इसका रेट और इंक्रीज़ होगा। तो आपको अगर बाई करना है तो यहाँ पे आप परफेक्ट कॉइन कितना चाहिए वो आप बाई कर लीजिए ये डाल के। जैसे मेरे को 5 कॉइन ख़रीदना है 11,499 सतोसी से, अब आप चाहें तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, मान लीजिए कि मेरे को 15 कॉइन ख़रीदना है, 18 कर देते हैं। तो 18 कॉइन अगर मैं डालता हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कितने चार्ज का हो रहा है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बाई PTC 18 कॉइन मैं चाहता हूँ,
अब यहाँ पे जो प्राइस बिड लिखा है BTC, ये आप चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये कम प्राइस होगा तभी मैं इसको ख़रीदूँगा, जैसे कि ये 10,000 सतोसी, ये 10,000 सतोसी हो तब मैं इसको ख़रीदूँगा। इसको यहाँ पे कर देते हैं 10,100 सतोसी, तो मैं इसको ख़रीदूँगा। देख लीजिए मेरे को टोटल BTC कितना लगेगा, इतना BTC मेरे को लगेगा 0.0018, और मेरे पास है 0.00122627, तो इसको कर देते हैं 15 कॉइन। ये लीजिए, अब इस तरह से करने से इसका चार्ज देखिए कम हो गया। तो इस तरह से आप बाई का बिड लगा सकते हैं, और सेल करना हो तो जितना आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव 252.66 PTC कॉइन, तो यहाँ पे मेरे को मान लीजिए कि 2 कॉइन सेल करना है, मैंने सेल करना है। अब ये सेल कैसे होगा, तो 8,000 सतोसी के हिसाब से अभी BTC प्राइस यहाँ शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये 9,500 के हिसाब से सेल हो। तो ये देख लीजिए अभी मेरा टोटल जो BTC बन रहा है 9,500 के हिसाब से, तो उसके हिसाब से टोटल BTC बन रहा है 0.00189962। तो इसको मैं सेल का ऑप्शन अगर क्लिक कर दूं तो सेल हो जाएगा, और बाई वाले में ये डालने के बाद अगर मैं बाई क्लिक करूं तो बाई हो जाएगा। लेकिन एक बात ख़ास ध्यान रहे कि यहाँ पे जो भी प्राइस करंट प्राइस रहेगा उस प्राइस से अगर आप ख़रीदना चाहेंगे तो इंस्टेंटली हो सकता है खरीदी, लेकिन अगर कॉइन अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप नहीं ख़रीद पाओगे। अगर आप सेल करना चाहते हो तो आप इंस्टेंटली सेल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बिड लगाएंगे तो बिड का यही है, जैसे कि मैं ये सेल का बिड लगाया हूँ तो ये मैं क्लिक कर दिया, ये देखिए कंफर्म कर देते हैं, ऑर्डर एडेड सक्सेसफुली, मैंने ऑर्डर किया वो ऐड हो गया। ठीक, अब इस तरह से आप ट्रेडिंग करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। और आप सोचेंगे कि सर ये ऐसे कैसे इनकम होगा, तो इनकम होता है, आप बात को समझेंगे और करेंगे, ट्राई करके देखेंगे तभी होगा। कहें कि मेरे डाउनलाइन से बहुत से मेंबर ऐसे हैं जो बहुत अच्छी इनकम कर चुके हैं, जो कि 2 कॉइन 3 कॉइन लेके आज 30 कॉइन 40 कॉइन बना चुके हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको अब शॉर्टकट में मैं लेंडिंग का भी इसी वीडियो के अंदर मैं बता दूं, जिससे कि आपको एक ही वीडियो के अंदर में पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए आइए अब माइंड PTC में चलते हैं फिर से। माइंड PTC में आपको ध्यान से करना है, लेंडिंग के लिए आप ध्यान से करना है। तो यहाँ पे देखिए PTC लेंडिंग का ऑप्शन है, PTC लेंडिंग का ऑप्शन जो दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लैंडिंग का डिटेल मिल जाएगा। PTC लैंडिंग, PTC डिमांड इज़ ऑलवेज हाई एंड विथ आवर लैंडिंग प्रोग्राम डिमांड फॉर PTC कॉइन इज़ रैपिडली ऑन द राइस, बढ़ ही रहे है, घटेगा नहीं बढ़ेगा ही, विच अलाउज अ हाई चांस फॉर PTC कॉइन प्राइस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। आगे पढ़ते हैं, टू लैंड PTC कॉइन फॉलो द स्टेप, पहला स्टेप क्या है, आपको ख़रीदना पड़ेगा एक्सचेंज से, या फिर आपने अगर नेटवर्क वॉलेट में अर्न किया है जो कि आपका रिफलर है उसको आप कर सकते हो। सेकंड स्टेप कहता है कि लैंड यूअर PTC कॉइन ऑन www.mindptc.com लैंड PTC वॉलेट, तो PTC वॉलेट जो लैंडिंग का वॉलेट रहेगा उस पर हम लैंड करेंगे। आगे PTC कॉइन लैंडिंग इंटरेस्ट, तो किस तरह से मिलना है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे बताया गया है। जैसे इसमें 3 तरह से आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस प्लान को ध्यान से सुनिए क्योंकि इससे पहले किसी और के भी चैनल पे लैंडिंग का वीडियो मिल चुका है लेकिन बहुत से मेंबर उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको संतुष्टि प्रदान करूँ।
जैसे कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है लेंडिंग अमाउंट, अगर आप $50 से $500 के बीच कोई भी USD अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो आपको पर मंथ 15% तक का इंटरेस्ट मिलेगा एंड कैपिटल बैक आफ्टर 300 डेज। जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे डॉलर, उतने ही डॉलर के वैल्यू का आपको PTC कॉइन या तो BTC कॉइन ये मिलेगा आपको, ये 300 दिनों के बाद। दूसरा में ऑप्शन है, हाँ अब लोगों का डाउट ये रह गया था कि सर 15% पर मंथ मिलेगा तो यहाँ पे तो पर डे का रहता है, तो इसके लिए अभी कंपनी बहुत जल्दी कैलकुलेटर लाने वाली है वेबसाइट के अंदर में, जिसमें आप जान पाएंगे कि कैसे क्या कैलकुलेट होता है। तो अभी उम्मीद है कि मैं जितना समझाऊं उतना आप समझ जाएं, फिर आगे का हम खुद समझाएं। बी ऑप्शन में है लेंडिंग अमाउंट, अगर आप $500 से $5000 के बीच करते हैं तो आपको 30% पर मंथ मिलेगा, यहाँ पे कैपिटल बैक है 200 दिनों के बाद। तीसरा ऑप्शन में है लेंडिंग अमाउंट, अगर $5000 से $50000 का आप करते हैं तो आपको यहाँ पर मंथ मैक्सिमम 45% मिलेगा, जहाँ पे आपको कैपिटल बैक 100 डेज में मिल जा रहा है। और लोगों का ये सवाल था कि सर पर डे फिक्स्ड अमाउंट है क्या? नहीं, फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, जैसा लेंडिंग का सिस्टम है उसके हिसाब से ही मिलना है, और इसकी जानकारी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। नोट लिखा हुआ है ए, लेंडिंग प्रोग्राम इज गारंटीज ऑफ वोलेटिलिटी सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट अप टू 45% मंथली ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। वोलेटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑफर्स यू, जैसा कि मैंने अभी कहा वही है कि ये सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बदलाव हो रहा है ना। तो इसके लिए आपको और भी वीडियो मिल जाएगा, लेकिन अभी आप जो ज़रूरत की बात है उसको आप ध्यान से सुनिए। बी नंबर में लिखा है वी ऑफर अप टू 5 लेवल ऑफ रिफ्लर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसको आप ध्यान से समझिए। अगर आप लेंडिंग को प्रमोट करते हैं, लेंडिंग प्रोग्राम को अगर आप प्रमोट करते हैं, अगर आपके फर्स्ट लेवल में कोई भी ज्वाइन है और वो इन लेंडिंग प्रोग्राम में इन्वेस्ट करते हैं, तो फर्स्ट लेवल में आप जिसको भी ज्वाइन करेंगे या किए हुए हैं पहले से, उनसे आपको लेंडिंग का 10% मिलेगा, सेकेंड लेवल में आपको 4%, थर्ड लेवल में 3%, फोर्थ लेवल में 2%, लेवल 5 में 1%। इस तरह से आपको कमीशन मिलेगा, आप किसी को भी रिफ़र करेंगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट यू विल रिसीव USD बैक इन फॉर्म ऑफ PTC और BTC इनटू योर विड्रॉवल एड्रेस। तो मैंने जैसे कि पहले ही वीडियो में बताया है कि आप लैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लेते हैं जितने दिन का है, उसके बाद आपको उतने ही डॉलर का, उतने ही अमाउंट के डॉलर का आपको या तो परफेक्ट कॉइन मिलेगा या तो आप बिटकॉइन ले सकते हैं। डी ऑप्शन में है द मिनिमम अमाउंट ऑफ बिटकॉइन यू कैन विदड्रॉ फ्रॉम योर बिटकॉइन वॉलेट इज़ 0.001 BTC। तो मिनिमम कितना विड्रॉवल करना है? 0.001 BTC। माइन PTC चार्जेस अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रुपीस 0.0008। इतना माइन PTC चार्ज करेगा फॉर ऑल योर विड्रॉवल ट्रांजेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ और आप भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा BTC का विड्रॉवल लीजिए, जिससे कि आपको चार्ज कम लगे। ई ऑप्शन में है द मिनिमम री इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ $10। अगर आप फिर से उसको इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको $10 या $10 के बराबर का अमाउंट को आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रहा प्लान लेंडिंग का प्रोग्राम, और मैं आपको अब बताऊंगा कि इसमें लेंडिंग कैसे करना है। तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है PTC लेंडिंग लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उस पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्सचेंज रेट है 1 PTC इज इक्वल टू $3.358। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं कितने डॉलर से करना है, तो नीचे में कुछ लिखा हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने समझाया आपको वही जानकारी यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं अगर डालता हूँ, मान लीजिए एक PTC का रेट है $3,
$3 से भी ऊपर है। तो मैं यहाँ पे डॉलर डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ $105 का, सॉरी हाँ $105, लेकिन ये कम हो जा रहा है, ये अमाउंट इन डॉलर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ $250, जो कि आप देख सकते हैं 74, तो ये और कम हो जा रहा है। मैं डाल देता हूँ 300, थ्री थ्री फाइव कर देते हैं, ये 100 कॉइन हो रहा है। ये देखिए इस तरह से मैंने भर दिया यहाँ पे अमाउंट। अब पे फ्रॉम एक्सचेंज वॉलेट, जी हाँ बिल्कुल, पे फ्रॉम एक्सचेंज वॉलेट ये मैं कर दिया। योर बैलेंस इज लो, इसने कह दिया बैलेंस इज लो, बैलेंस लाओ बोल रहा है, तो कोई बात नहीं बैलेंस ले आते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक्सचेंज में जो है, एक्सचेंज का सबसे पहले आपको माइंड पीटीसी पर लेके आना होगा, इसलिए ये लो बोल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ नहीं लाया है। तो कोई बात नहीं लेके आ जाते हैं, लेकिन वीडियो शॉर्ट में बनाइए, लंबा हो जा रहा है वीडियो, कोई बात नहीं लंबा हो जा रहा है तो समझ में भी तो आएगा। ये देखिए डिपॉजिट पीटीसी फ्रॉम एक्सचेंज, इस पे हम क्लिक करते हैं, ये इसको कर लीजिए आप कॉपी, ये इसको कर लेते हैं कॉपी। अब कॉपी करने के बाद चलते हैं एक्सचेंज पर, देख लीजिए पीटीसी लेंडिंग के नीचे डिपॉजिट पीटीसी फ्रॉम एक्सचेंज से, एक्सचेंज से अब डिपॉजिट करना है, तो यहाँ से पीटीसी क्वाइन को आपको करना है विड्रॉल, विड्रॉ करना है, जो कि विड्रॉ करेंगे तो ये आपका जाएगा माइंड पीटीसी में। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से स्लो है ये, जैसे कि यहाँ पे विड्रॉ डिपॉजिट का ऑप्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए पीटीसी क्वाइन विड्रॉ में जाइए, सॉरी ट्रांसफ़र टू माइंड पीटीसी, पीटीसी एड्रेस ये मैंने डाल दिया। अमाउंट कितना ले जाना है, मेरे को ले जाना है 150 क्वाइन 450 यूएसडी का, नहीं यहाँ पे हम कर देते हैं कम का, 150 यूएसडी बनना चाहिए, ये देखिए। अगर मैं दो क्वाइन भी ट्रांसफ़र करूँ तो एक क्वाइन फ्री है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया ये यूअर ट्रांसफ़र इज़ डन सक्सेसफुली, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, ओके वेट कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं रिफ्रेश करके दिखा दूँ, 250 था, यहाँ से क्वाइन कटा या नहीं कटा, ये देखिए 50 क्वाइन कट चुका है। अब हम देखते हैं माइंड पीटीसी में क्वाइन पहुँचा या नहीं, ये डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए, डैशबोर्ड में आपको दिख जाएगा, ये डैशबोर्ड में चलते हैं, डैशबोर्ड के अंदर आपको दिखेगा कि आपने कितना क्वाइन ट्रांसफ़र किया आया या नहीं, तो ये देख सकते हैं एक्सचेंज वॉलेट में 49 क्वाइन पहुंच चुका है, इतना फास्ट ट्रांजेक्शन क्या बात है। अब इसके बाद आपको जाना होगा पीटीसी लैंडिंग में, यहाँ पे क्वाइन ट्रांसफ़र हो गया तो अब आपको पीटीसी लैंडिंग में क्लिक करना है, ये ब्लू वाले में। अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकता, यहाँ पे डाल देते हैं $135, इसको अपन कंप्लीट करते हैं 143 149, इसको अपन कर देते हैं
152, ये राउंड फिगर में 49 कॉइन जाना चाहिए, 165, हाँ कुछ कम कर देते हैं अब, ये लीजिए इतना मैं कर दिया। अब यहाँ पे फ्रॉम एक्सचेंज वॉलेट, जी हाँ एक्सचेंज वॉलेट से पे कर दो, ये बात सक्सेस इन्वेस्टमेंट डन, इस तरह से ये डन हो गया। अब मैं आपको डैशबोर्ड में कुछ और दिखा दूँ, ये देखिए अब डैशबोर्ड में ये जो दिख रहा था ये लैंडिंग वॉलेट, एक्सचेंज वॉलेट और लैंडिंग वॉलेट, तो लैंडिंग वॉलेट में डॉलर में कन्वर्ट होके आ गया और एक्सचेंज वॉलेट में जो पेंडिंग रह गया है 0.459, कोई बात नहीं बाद में यूज़ कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए, 215.84 जो कि डॉलर में 3.358 डॉलर है, इसका अभी करंट प्राइस 215 रुपये हो सकता है। मेरा ये वीडियो देख के आप सभी लैंडिंग का लाभ उठाएं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया हूं, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगे। और ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू मेंबर को ऐड कराइए, और अपना भी नेटवर्क वॉलेट बढ़ा के अच्छा बिजनेस करके आप अच्छा प्रॉफिट कमाइए। ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।